नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, घर हो चाहे दफ्तर, सफाई के लिए हर जगह झाड़ू का इस्तेमाल होता ही है। वहीं हिंदू धर्म शास्त्रों की बात की जाए तो लक्ष्मी माता का संबंध झाड़ू से माना जाता है, इसलिए ज्योतिष के साथ ही वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू को प्रयोग करने के कुछ नियम बताए गए हैं। यदि आप झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन में बरकत अवश्य आती है। ऐसे में दोस्तों, अपने इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि वह कौन से नियम हैं जिनको झाड़ू के इस्तेमाल में आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र की माने जाए तो घर में झाड़ू को रखने का एक विशेष स्थान होना चाहिए। घर में जिन जगहों पर कीमती सामान हो वहां पर झाड़ू को रखना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए जिस कमरे में आप धन रखते हैं या ज्वेलरी रखते हैं वहां पर झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप घर के उस स्थान में जहां पर धन रखा हुआ है वहां झाड़ू रखते हैं तो इससे आपकी संपत्ति का नाश हो सकता है। घर हो चाहे दफ्तर, आपको कभी भी किसी दूसरे के द्वारा दी गई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको खुद के द्वारा खरीदी गई झाड़ू से ही घर या दफ्तर की साफ सफाई करनी चाहिए। झाड़ू के इस्तेमाल के बाद इसे सही स्थान पर रखें, लेकिन ध्यान रहे झाड़ू को कभी भी खड़ा ना करें। झाड़ू को यदि आप लिटाकर रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन में हमेशा आर्थिक संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही झाड़ू पैरों पर न लगे और ना ही झाड़ू को कभी लांघना चाहिए, इसे अपशगुन माना जाता है। यदि झाड़ू टूट जाए या उसकी सीक निकलने लग जाए तो उसे जोड़ने की बजाय नए झाड़ू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। नई झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है, इसलिए जब भी आप नई झाड़ू खरीदने का मन बनाएं तो शनिवार को ही खरीदें। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप झाड़ू के जरिए भी अपने जीवन में आर्थिक उन्नति पा सकते हैं। इसके साथ ही अपने भविष्य को भी आप सुधार सकते हैं। झाड़ू का इस्तेमाल यदि आप वास्तु के अनुसार करना सीख जाते हैं तो जैसे झाड़ू घर की गंदगी को साफ करता है, उसी तरह यह आपके जीवन की दरिद्रता को भी दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। तो बेहतर भविष्य के लिए आप आज से ही वास्तु के अनुसार झाड़ू का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।